नवीन चकरौता टाउनशिप को लेकर कैबिनेट ने अप्रूवल जारी कर दिया है और उसके बाद चकरौता का विकास कैसे होगा इसको लेकर जो लंबी लड़ाई लड़ी गई है वो रामशरण नौटियाल की तरफ से लड़ी गई है। तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते 1997 से लगातार सर आप कोशिश कर रहे थे, अब कल कैबिनेट अप्रूव हुई है, किस तरह से इसको लेकर? देखिए, तो आप भी जानते हैं कि 25 साल तक एक योजना के लिए सिर्फ कंटिन्यूअस समय देना, तो ये बहुत बड़ा जीवन का एक बहुत बड़ा काल है। 25 साल इंसान की एवरेज एज 75 साल होती है, तो उसमें से 25 साल तक मैं एक योजना के लिए मांग कर रहा हूँ हर दरवाजे पे। कोई नेता ऐसा नहीं, कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं हुआ जिनको मैंने इस पे बारे में मांग की। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने योजना देखी, तत्काल उन्होंने देखा कि अच्छा विजन है और उन्होंने तत्काल इसकी स्वीकृति कर दी। सर, आप खुद कह रहे हैं 25 साल आपको लग गए हैं, हर दरवाजे तक आप गए हैं, क्या लगता है जो स्थानीय स्तर के नेता हैं, बड़े चेहरे हैं आज की तारीख में, उनकी तरफ से पैरवी नहीं हुई? बड़े चेहरों का मैं क्या बोलूं, आप जानते हैं कि बड़े चेहरे वहाँ क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं आपके सामने हैं। एक मैंने कहा, ग्राम पंचायतें तो विधि विधान से बनी हैं और बाकी दो ब्लॉक बने हैं वो आज़ादी के बाद के बने, उसके बाद तो वहाँ कुछ हुआ नहीं है। सड़कें बनी तो प्रधानमंत्री सड़क योजना की, उसी पे कहते हैं कि मैंने बनाई, बाकी तो कुछ काम हो नहीं रहा। जो सरकार का पैसा है, जो स्टेट गवर्नमेंट का पैसा है, वो जो है जेबों में रख रहे हैं, विधायक निधि की बंदरबांट करते हैं, वहाँ कोई काम नहीं है ज़मीन पर। आवास उनको दे रहे हैं जिनके घर में गजेटेड ऑफिसर्स हैं, तो ये सब हो रहा है वहाँ। सर, वहाँ पर तो चाहे कांग्रेस की अगर बात हो उनके विधायक हैं, तो जिला पंचायत की अगर बात हो वो बीजेपी की हैं, तो क्या लगता है किस तरह से घालमेल वहाँ पर योजनाओं का और विकास को लेकर हो रहा है? मुझे तो कुछ है, ग्राउंड पर मिलीभगत भी लगने लग रही है, अब कुछ मिलीभगत है, क्योंकि जहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट आता है वहाँ आदमी कहीं भी हाथ मिला लेता है, और जहाँ ये जो 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 व्यक्ति जो नेता या जो भी मैं कहता हूँ समाज सेवी कही अपने को जनप्रतिनिधि, जो पैसे के घालमेल में लग जाएगा तो किसी से भी हाथ मिला लेगा, उसके लिए कोई पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं है, उनके लिए फिर एक सूत्री कार्यक्रम है, और वहाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है वहाँ सब मिली भगत से हो रहा है। तो नोटल जी, अभी जिस तरह की बातचीत हुई है, आपने चलिए टाउनशिप पास करवा दी कैबिनेट से, लगता है धरातल पर ये अस्तित्व में आ पाएगी? धरातल में यदि आप आज भी जाके देखें तो 1997 से आज तक करीब 100 से ऊपर होटल तो बन ही चुके हैं वहाँ। हमने तो एक इशारा करना था कि ये जगह बहुत खूबसूरत है, तो लोगों ने हमारे कहने से, जिन जिन लोगों को व्यक्तिगत भी मिले हैं, तो मैंने खुद को प्रेरित किया है। मैंने कुछ लोगों ने मुझे कहा कि हमारी ज़मीन हम बेचना चाहते हैं, हमने बोला मुझे दिखाओ, तो कुछ लोगों ने सोचा कि ये ख़रीदना चाहते हैं। मैं जब गया मैंने कहा बेचना मत, इस पर ऐसी ऐसी चीज़ बनाओ। आज मुझे वहाँ होटल दिखाई दे रहा उन्हीं का, जिनकी ज़मीन है। तो हमने बहुत अच्छी तरह से लोगों को समझाया है, कोशिश की है। सर, लास्ट सवाल, क्या लगता है चकरौता का विकास करने में या पिछड़ापन वहाँ पर जो दिख रहा है उसके पीछे नेता जिम्मेदार है, कौन लोग? बिल्कुल जो आपने कहा वही जिम्मेदार है। भ्रष्टाचार, योजनाओं की बंदरबांट, सरकारी पैसे की लूट, और उस लूट से संपत्तियां खरीदना, कोठियां खड़ी करना, और कुछ है ही नहीं इसके पीछे। भोले वाले लोग गांव में हैं, और वो जो एक जो दलालों का गिरोह घूम रहा है वहाँ लूट खसोट में, वो अपने जो है नीचे शहरों में रहते हैं, सिर्फ वोट के 2-4 रोज दिन पहले चले जाते हैं और वहाँ पर वही व्यवस्था अपनी जो है उस तरह से करते हैं। लेकिन हम इसको ख़त्म करेंगे। आज घर घर में जो घर घर मोदी हर हर मोदी है, वो नारा लोगों के जहन में है, उसकी वजह यही है कि गांव में ऐसा क्या है कि सिर्फ विशु का त्यौहार की तरह, दिवाली की तरह तभी होता, जब चुनाव होता तभी दिखते हैं ये लोग, वैसे जाते नहीं हैं। तो हम उसको थोड़ा परिवर्तित कर रहे हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं गाँव में जाइए, गाँव लोगों की योजनाएँ गाँव तक पहुँचाइए और गाँव के लोगों के से संपर्क करिए, मिलिए। तो ये थे रामशरण नौटियाल जी, जो 1997 से लगातार कोशिश कर रहे थे नवीन चकरौता टाउनशिप को लेकर। अब जाकर इनका जो सपना था वो कुछ हद तक सफल हुआ है, राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। आने वाले समय में कब ये धरातलीय विकास लेगी इसका इंतजार सभी को है, क्योंकि जिस तरह के आरोप रामशरण नौटियाल जी ने लगाए हैं वो काफ़ी गंभीर है। नेताओं पर सीधे तौर पर मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत कांबोज, देहरादून।